हेलो 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 नेट्स, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज है हमारा डे 1575 हार्ड कोडिंग चैलेंज का। आज मैं आपको जो है CSS के में जो बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज के बारे में बताने वाला हूँ। CSS में किस तरह तरह की बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज होती हैं और किस किस तरह से आपको यूज कर सकते हो, सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर पता लगने वाला है। फटाफट से एक बार आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो पूरी वीडियो देखने के बाद उसको लाइक कर देना, एक छोटा सा कमेंट, और आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल वाला सब्सक्राइब बटन जो है नीचे दे रखा है उसको दबा के सब्सक्राइब कर दो। अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे चलेंगे अपनी VS कोड पर और आपको मैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज के बारे में बताना। यहाँ पर मैंने VS कोड खोल लिया है। यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हो कि एक H1 यानी हेडिंग लिया मैंने, जिसने हेलो वर्ल्ड डाल दिया है, और एक डिम टैग लिया है जिसमें थोड़ा बहुत कॉन्टेंट डाल दिया। इसका आउटपुट आप देखना चाहो यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह का जो है हेलो वर्ल्ड में हेडिंग आ गई और थोड़ा सा कॉन्टेंट मैनेजर डाल दिया। अब इसमें हम जो बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करेंगे। डे 50 रिकॉर्डिंग चैलेंज का डे 75 तक जाने वाले हैं, 15 दिन हो चुके हैं, ऐसी और वीडियो जो है अभी आने वाली है 60 दिन और, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो सारी सारी विंडोज की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। CSS की फाइल मैंने बना ली है, लिंक कर दी है, लिंक टैग से कैसे करते हैं पिछले वीडियोज में बता चुका हूँ, प्लेलिस्ट के भी डिस्क्रिप्शन में, सारी वीडियोज़ को फॉलो करोगे तो लाइन बाई लाइन आपको जो है सब कुछ सारी वीडियोज़ आराम से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलेंगे स्टाइल और CSS में। यहाँ पर मैंने H1 को जो स्टाइलिंग टैग यहाँ पर हेलो वर्ल्ड में लिखा ना, तो उसको बैकग्राउंड कलर देंगे। अभी तक हमने कलर प्रॉपर्टी में लिखा था, तो बैकग्राउंड कलर क्या होता है, सिंपल आपको बैकग्राउंड कलर लिखना होता है प्रॉपर्टी को, और उसको जो है कोई भी कलर आप असाइन कर सकते हो। नॉर्मल जैसे कि हमने पिछली बार देखा था, हमने कलर दिया था, इसमें जो है कलर भी क्या होता है कि हेलो वर्ल्ड जो टेक्स्ट है उसको कलर मिल जाता है, लेकिन बैकग्राउंड प्रॉपर्टी में इसका जो पीछे का बैकग्राउंड है उसको कलर मिलता है। तो H1 को हमने पीछे जो है ग्रीन कलर दे दिया है। ठीक है, इसके बाद जो है अगर आप कोई और कर देना चाहो, येलो देना चाहो तो येलो दे सकते हो। इस तरह से मैंने येलो दे दिया है, बिल्कुल सिंपल है, बैकग्राउंड कलर मिस्ट्री है, कलर जैसा ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल भी टाइम मिस नहीं करेंगे, आगे आगे जल्दी जल्दी जो है आपको छोटी मोटी प्रॉपर्टीज से बैकग्राउंड में सब कुछ आपको जल्दी बता दूंगा। फिर बैकग्राउंड का आप RGB वैल्यूज़ के माध्यम से देना चाहते हो तो पहले कलर में बताई थी रेड ग्रीन ब्लू 0 to 255 वैल्यू होती है, आप जितनी वैल्यू दोगे उतनी उसकी जो है उसकी इंटेंसिटी की जो है कलर बन जाएगा। यहाँ पर देखिए हमने 240 रेड की वैल्यू दी है, फिर पी को 252 दी है और ब्लू को 2 दिया है, तो इसमें कलर कौन सा बनेगा, इसमें येलो कलर बनेगा थोड़ा सा। और ये देखिए डिव टैग में मैंने आया है बैकग्राउंड कलर, तो ये डिव टैग में अप्लाई हो चुका है। और कलर पे आप लिख के जो है गूगल पर किसी भी कलर की RGB वैल्यू निकाल सकते हो, ये भी मैंने आपको कलर जो प्रॉपर्टी पढ़ाई थी उस पर बताई दिया था। अब इसकी ओपेसिटी भी आप जो है इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, ये मैंने आपको कलर में नहीं बताया था, यहाँ पर बताया था कि आप इसमें कॉमा लगा के जो है इसकी प्रॉपर्टी इसकी ओपेसिटी डिफाइन कर सकते हो। लेकिन आप देख सकते हो एक और जो है आप तरीके से इसकी ओपेसिटी डिफाइन कर सकते हो, यहाँ पर देखिए इसकी ओपेसिटी है कुछ कम हो चुकी है, और अगर हम इसकी ओपेसिटी कम करना चाहते हो तो यहाँ से आप इसको हटा देता हूँ, अभी आपको इधर से बताऊंगा। इधर से देखिए ओपेसिटी अगर और कम करना चाहूँ मैं 0.2 कर दूँ इसकी ओपेसिटी, तो देखिए और ओपेसिटी कम हो गई, 0.1 से लेकर 0.9 तक जो है आप ओपेसिटी इसकी डिफाइन कर देते हैं। अगर हम इसको बिल्कुल 0 कर देंगे तो बिल्कुल जो है टेस्ट 1 गायब हो चुका है, और 0.9 जो है सबसे हाईएस्ट होती है। इस तरह से जो ऐप ओपेसिटी भी किसी भी तरह की डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इमेज प्रॉपर्टी की। अगर आप बैकग्राउंड में इमेज लगाना चाहते हैं, अपने किसी फोटो लगाना चाहते हैं अभी बॉडी टैग के अंदर अपनी HTML पेज के अंदर, तो बैकग्राउंड में किस तरह से लगा सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर चीज़ सबसे पहले जो है मैं इसको अनकमेंट करता हूँ। यहाँ पर जो है मैंने बॉडी टैग लिया है, बॉडी टैग क्यों लिया है क्योंकि H1 डिम इन दोनों को छोड़ के सबसे जो विद का पेरेंट एलिमेंट है वो है बॉडी, यानी कि पूरे बॉडी में जो है इमेज हम लगा रहे हैं। ये देखिए यहाँ से लेके जो है और यहाँ तक जो है पूरा हमारा बॉडी टैग है, बॉडी के अंदर जो है पूरी पेज के अंदर हमने जो है इमेज लगा दी है। हमने किस तरह से लगाई स्टैंडर्ड से दोबारा चलते हैं, और यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड इमेज ली है, उसमें जो है URL नाम पर एक एट्रीब्यूट होता है, एक प्रॉपर्टी होती है उसको लिया है, और उसके अंदर जो है हमारी इमेज जो हमने डाल दी है। इमेज कहाँ पड़ी हुई है, हमारी मल्टीमीडिया फोल्डर में पड़ी हुई है, इमेज 2.jpg उसको हमने डाल दिया। एक बार हमें इसको दोबारा से नफरत दिखाई दूँ जिससे कि आपको जो है अच्छी तरह समझ में आए। यहाँ पर जो है बैकग्राउंड इमेज लिखेंगे, इमेज पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद URL लिखेंगे, फिर एंटर कर देंगे, फिर हमने हम जाएंगे मल्टीमीडिया फोल्डर में, छापा भी आपने जो है अपनी इमेज को सेव कर रखा है। तो मैंने अपनी जो यहाँ पर इमेज 1 को सिलेक्ट कर लूँगा, फिर दोबारा आउटपुट देखेंगे तो ये देखिए मेरी इमेज जो आ रही है, लेकिन ये इमेज जो है बार बार रिपीट कर रही है। एक ही इमेज जो कितनी बार आ रही है देखिए, और यहाँ पर सब सीधी आ रही है, इधर भी आ रही है, तो इतनी बार रिपीट नहीं करनी चाहिए। उसके लिए हमारे पर नीचे प्रॉपर्टी आती है बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी। बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इमेज को कितनी बार रिपीट करें, कैसे रिपीट करें, या बिल्कुल रिपीट ना करें। तो मैंने बैकग्राउंड रिपीट में डाल दिया नो रिपीट। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो भी इमेज है वो बिल्कुल रिपीट नहीं कर रही है, सिर्फ एक इमेज आ रही है, वो भी लेफ्ट कॉर्नर में जो है सबसे लेफ्ट टॉप कॉर्नर में आ रही है। अगर हम इसकी प्रॉपर्टी को चेक करें, इसकी और कुछ प्रॉपर्टी होती है यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। रिपीट में अगर आप करोगे तो ये जो इमेजेस हैं बार बार रिपीट होगी इस तरह से। ठीक है, रिपीट अगर एक्स करोगे तो रिपीट जो है एक्स एक्सिस पे रिपीट होगी। जल्दी जल्दी बताओ उनको, बिल्कुल सरल सरल प्रॉपर्टी से हमको अप्लाई करके देखना, सब समझ में आ जाएगी। रिपीट वाई करोगे तो वाई एक्सिस पे रिपीट होगी, और अगर नो रिपीट कर दोगे तो भाई कुछ भी रिपीट नहीं होगा, आपकी जो सिंगल इमेज है वही की वही आ जाएगी। तो आई होप आपको जो है आ रही होगा समझ में।
उसके बाद बात करेंगे अपनी जो है बैकग्राउंड पोजीशन की, इसको भी एक बार लगा देते हैं यहाँ से। और बैकग्राउंड पोजीशन में आप जो है अपनी इमेज की पोजीशन दे सकते हो कि राइट बॉटम लेफ्ट टॉप कहाँ डालनी है आपको अपनी इमेज। जब भी राइट डाल रखा है यहाँ से आप इसको जो है सेंटर भी कर सकते हो कि सेंटर में आ जाए हमारी इमेज, तो हमारी इमेज जो सेंटर में आ चुकी है। इस तरह से जो आप लेफ्ट राइट कुछ भी डाल सकते हो, अब लेफ्ट डाल देता हूँ मैं, तो लेफ्ट का चेक कर लीजिए भाई, लेफ्ट हमारी जो इमेज है वो लेफ्ट में आ चुकी है। फिर बात करते हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट की। यहाँ पर मैंने दिया हुआ है फिस्ट, फिस्ट दिया हुआ है। ये जो है डिफॉल्ट में क्या हुआ है, डिफॉल्ट में स्क्रॉल होता है। अब डिफॉल्ट में देखिए इसको, अभी जो है कॉन्टैक्ट हमारा इतना सही है, इस कॉन्टैक्ट में थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। कैसे बढ़ाते हैं, यहाँ पर मैं जाऊँगा और कॉन्टैक्ट में लॉगर एम लिख दूँगा, जब 1000 वर्ड्स लिख दूँगा, ठीक है। तुम्हारा जो कॉन्टैक्ट है बढ़ चुका है, स्क्रॉल के बाद जो हमारा कॉन्टैक्ट बढ़ चुका है। यहाँ पर देखिए अब हमारी जो इमेज है वो जो है हमारी इधर इधर नीचे आ रही है। अब इस इमेज को, इमेज जैसी जो है हमारी शो कर रही है, हमारी जो इमेज है वो पीछे नीचे स्क्रॉल कर रही है। यहाँ देखिए मैंने क्या किया, बैकग्राउंड पोजीशन को हटा दिया। अभी लेफ्ट राइट कुछ नहीं, जो हमारी इमेज है नॉर्मली जहाँ पे आ रही है बिल्कुल सबसे ऊपर एकदम लेफ्ट कॉर्नर में आ रही है, ठीक है। अब हमारी जो इमेज है वो देखिए, और जैसे हम पेज को स्क्रॉल कर रहे हैं नीचे, तो हमारी जो इमेज है वो ऊपर रह जा रही है और हमारा पेज तो स्क्रॉल है। नॉर्मली ऐसे होता है, लेकिन एक पोजीशन आती है हमारे पास, एक अटैचमेंट आता है हमारे पास जिसको कहते हैं फिक्स्ड अटैचमेंट। बैकग्राउंड का एक प्रॉपर्टी होती है, जब हम दो प्रॉपर्टी चेकते हैं फिक्स्ड और अटैचमेंट। यहाँ पर अगर हम इस पेज को फिक्स्ड कर दें, बैकग्राउंड अटैचमेंट को अगर फिक्स्ड कर दें, तो इसका आउटपुट देखिए आप, ये जो इमेज है नहीं ये फिक्स हो जाएगी। देखिए ये इमेज नहीं ये फिक्स हो चुकी, अगर हम इसको नीचे लेके जाऊँ तो ये जो इमेज है वो वही रहेगी अपनी जगह पर ही, जो कॉन्टेंट है वो भी स्क्रॉल होता रहेगा। इस तरह से जो है बैकग्राउंड अटैचमेंट की जो प्रॉपर्टी फिक्स्ड वो काम करती है, तो आप इसको जो यूज कर सकते हो। आगे बात करेंगे एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी की। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज क्या होती है कि ये जो है ये चार हमने लाइन में कोड लिखा है, इन चारों लाइन का कोड जो हम एक लाइन में ले सकते हैं। कलर भी उसमें लगा देंगे, इमेज की पाथ भी उसमें दे देंगे, रिपीट नो रिपीट दे देंगे, और जो बैकग्राउंड का अटैचमेंट है वो भी दे देंगे, और बैकग्राउंड की पोजीशन भी दे देंगे। इसको कहेंगे शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। तो ये किस तरह से लगाएंगे ये देखिए, बस इसको सिंपल जो मैं अनकमेंट करता हूँ, और जो सेम प्रॉपर्टीज हैं वो हमारी हमें लग चुके हैं। यहाँ पर मैंने क्या दिया हुआ है, सबसे पहले जो है कलर दे दिया, उसके बाद जो है यूज़ की URL का पाथ दे दिया, ठीक है। उसके बाद हमने नो रिपीट दे दिया, यानी कि नो रिपीट आके हमारा रिपीट नहीं करनी चाहिए। फिर हमने फिक्स दे दिया, और फिर हमने जो है बता दिया छापे देनी है हमारी इमेज। अगर इस राइट को मैं हटा दूँ तो चार प्रॉपर्टी भी सबसे जरूरी नहीं है, आपको सारी प्रॉपर्टी देनी। तो इस तरह से जो है आप अपनी बैकग्राउंड की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको जब बैकग्राउंड की सारी प्रॉपर्टी समझ में आ गई थी, बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टीज थी, सिर्फ कलर है, इमेज है, रिपीट है, पोजीशन है, अटैचमेंट है। तो बस इनको जो है आप जो है खुद अपने VS ग्रुप पर आप इसको ट्राई कीजिए। कुछ प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपका जो है इसको जरूर रिप्लाई दूंगा। अगर आप हमारा चैनल समझ आया तो प्लीज़ एक बार जो है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, वेरी मच थैंक यू।